तितिक्षा शक्ति वाहिनी के तत्वावधान में आयोजित की गई विशाल रैली और जनसभा, महिलाओं के हक के लिए उठी आवाज। जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक संपन्न, वर्षा की स्थिति के मद्देनजर किसानों से रबी फसल का उचित चुनाव करने के निर्देश। कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कोर्ट में की गई जन सुनवाई, 179 आवेदन पत्रों पर दिए गए निराकरणात्मक दिशा निर्देश। और सुकलूढाना वार्ड नंबर 18 के रहवासियों ने की जमीन के पट्टे की मांग, परिवार सहित पहुंचकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, ग्लोबल नेटवर्क पर आपका स्वागत है। सिटी हलचल के साथ मैं हूं सारंग काले और अब खबरें विस्तार से। महिलाओं के लिए बराबरी का हक, 50% आरक्षण, नशा मुक्त समाज और समग्र राष्ट्रीय उत्थान के संकल्प के साथ महिला संगठन तितिक्षा के द्वारा आज विशाल रैली निकाली गई। रैली के पश्चात बस स्टैंड पर आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल एवं तितिक्षा महिला वाहिनी की प्रदेश अध्यक्ष पूर्णिमा वर्मा ने महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाई। अत्याचार में दूसरे नंबर पर है। इस मंच को स्थापित करने की ये मुख्य वजह है साथियों कि आज तितिक्षा शक्ति वाहिनी के तत्वाधान में बहन संपत पाल दौड़े चली आई और कहा, अब नहीं तो कब और हम नहीं तो कौन, कौन अलख जलाएगा, कौन मशाल उठाएगा, कौन बलिदान देने आएगा। जब जब दमनकारी नीतियों का सामना करते हैं, जब जब समाज में, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में दमनकारी नीतियां अपना प्रभाव, अपना असर, अपना दबाव डालती है, तब तब क्रांति के स्वर मजबूत होते हैं। देखो भैया, सबसे सबसे एक्टिव जो है शासन प्रशासन में यही लोग बैठे भैया, जिनकी सैलरी आजकल सोशल मीडिया में चल रही है, जिनके वीडियो आज सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा अपलोड हो रहे हैं, समाज में वही काम कर रहे हैं। एक सिपाही जो चौरस्ते पे खड़ा होकर 24 घंटे अपनी ड्यूटी देता है, मानव सुरक्षा में अपनी ड्यूटी देता है, उसी का ये औरतों से यही दुनिया चलती है। और बहना, मैं बहुत कम बहनों को देख रही हूँ, अगर कोई नेता की रैली होती तो पता नहीं कितने ट्रैक्टरों में रैली सज जाती। ये बहनों को और हमारी ये भाइयों को ये बिल्कुल लगना चाहिए कि हम बहुत लुट गए, बहुत लुटे, अगर नहीं लुटना चाहते लेकिन लुटा तो तुम ही रहे हो, लुटा तो तुम ही रहे हो। नेतन की क्या औकात, सबसे बड़ा संविधान हमारा वोट, अपनी वोट को हम चाहे जितने अच्छे से इस्तेमाल कर ले, सबसे बड़ी चाबी है हमारे पास, अगर इस चाबी को दूसरे को दे देंगे तो हमारी तो चोरी हो ही जाएगी। ये हमारी सब बहने समझ रही है। देखिए, मैं पहली बार आई हूं, मैं अपना परिचय दे दूं, मैं जिला बांदा की हूं, चित्रकूट मेरा मायका है जो एमपी से ही जुड़ा है, चित्रकूट और एमपी का दोनों बॉर्डर है, भगवान राम आदि में आपके यहाँ रहते हैं, आप हमारे यहाँ रहते हैं, और मेरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। जब मैंने आदिवासियों को बहुत शोषण देखी थी तो 2000
क्या है, आदिवासी महिला उत्थान ग्रामोद्योग सेवा संस्थान। जब मैं 10,000 महिलाओं को आदिवासियों के संगठन में अपने लाई तो वो बिचारी अनपढ़ रहती थी, और जब हम रैली और नेताओं की कागज पकड़ने जाते थे, जब पुलिस बदतमीजी करती थी तो मैं उनकी कागज पकड़ती थी। तो एक बार हमने रैली निकाली लखनऊ में विधानसभा, और हमने पुलिस के तरफ देखा भी नहीं, और मैंने पुलिस को कहा कि तुम्हारे अगल बगल चलो और हम तुम्हारे साथ बराबरी करेंगे। चलिए, किसी महिला से बदतमीजी मत करना, नहीं बदतमीजी हमको भी आती है। हमारी वो रैली सफल हुई, उस महिला को मैंने जूस पिलाई और कमिश्नर से कहा कि आज ही न्याय चाहिए कमिश्नर साहब, और उस लड़की को बोली कि तुम्हें भूख हड़ताल नहीं करना, इनसे खा पी के लड़ो, भूख हड़ताल हमारी बेवकूफी है, ये भूख हड़ताल से देश नहीं बदलेगा। हम अपने अधिकार को अच्छे से जानते हैं लेना, लेकिन हमें संगठन की जरूरत है, और हमारा संगठन अगर मजबूत रहा तो ये शासन और शासन प्रशासन को ये रात भर नींद नहीं पड़ेगी। ये कानून का पहले मैं उल्लंघन नहीं करती, और अगर कानून व्यवस्था में जरा से गड़बड़ी हुई तो मैं उनको एक ही नहीं बख्शती हूँ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा अधिकारी। लेकिन हमारी कमजोरी कहाँ है, ये वोट में, जिन मठाधीशों को हम वोट दे के कुर्सी में बैठा देते हैं और वही हमारा शोषण करते हैं, जाने दे रहे थे, इन्हें शर्म भी नहीं आती। आज सारी बहनें की शीशे उठा करके और ये नर्मदा में जरूर डाल देना, इतना पक्का कर लिया। हाँ, ऊंचा खाना बंद होते हैं, इनके दारू नहीं बंद होती, जो बीच बाजार में यह दारू पट्टे का खोला है, देख लेना। मैं आज छिंदवाड़ा में अगर मेरी बहन साथ देंगी तो मैं यूपी जैसे हाल करूंगी। आम सभा के दौरान महिलाओं ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए बस स्टैंड स्थित शराब दुकान को भी बंद कराया। बहन से मेरा निवेदन है कि आप भी एक राजघराने से और छिंदवाड़ा जिले की बेटी है और बटका खाका की स्वागत करते हैं। एक और हमारी बहन है देवी। इधर कलेक्टर जेके जैन की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जारी वर्ष में जिले के जलाशयों में जल भराव के अनुरूप ही रबी सिंचाई संपादित करने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं कृषि विभाग सहित अन्य विभागों के प्रमुख उपस्थित थे। में कम हो रहा था, उसका सुधार काम करवा लिया अपन ने, व्हाट्सअप हो उसमें जो गेट फिट किया है हमारे विद्युत यांत्रिकी विभाग ने किया, ई एन एम वालों ने, नर्सिंग को वालों ने, फिर उनने गेट नहीं किया, हमने एन जी ओ साहब से कहा है कि उसको जो उसका फ्लश वहाँ है जहाँ पानी का जल भराव हो रहा था, इसी प्रकार से दो और जलाशय ऐसा नहीं, पर आप उसको रिपेयर तो करा, पानी वगैरह निकल रहा है, फायदा क्या हुई है, वो सही नहीं बैठी है, पाइप लगे सर्जी अंदर क्रैक लग, जो खराब हो गए जो लड़के हुए थे, आप सही कह रहे हो, वो तो अभी अपन ने चार 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 और तीन बदलवाए। बताओ ऐसी साहब, अब किसी के कहने पर आप बताओ, मैं दो बार गया और एक बार, हाँ आप उनके साथ में ये भी नोट करिए। खामी बड़ेगा जलाशय सर, वहाँ पर भी ये सब कच्चे रह रहे हैं सर, इनकी मरम्मत के ट्रिपल आर एक योजना द्वारा चलाई है, उसके तहत कई जलाशयों के प्रस्ताव गए हैं।
प्रत्येक मंगलवार की तरह आज भी कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कोर्ट में जन सुनवाई की गई। कुल आए 179 आवेदन पत्रों पर जन सुनवाई करते हुए कलेक्टर जेके जैन एवं जिला पंचायत सीईओ रोहित बैस ने निराकरणात्मक निर्देश संबंधित विभागों के प्रमुख को प्रदान किए। इधर सुकलूढाना वार्ड नंबर 18 बसोड़ी मोहल्ला की जुग्गी बस्ती के रहवासियों ने आज कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर जुग्गी झोपड़ी का पट्टा एवं मालिकाना हक दिलवाए जाने की मांग की। क्षेत्र के रहवासी परिवार सहित भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांग पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की प्रशासन से अपील की। वार्ड नंबर 18 सुलूढाना में कम से कम 85 साल से रह रहे हैं। हमको हमारा अधिकार यानी से पट्टा या फिर हमारा जो मूलभूत अधिकार है मालिकाना हक हमें किसी भी प्रकार का नहीं दिया गया है। और विगत हमने 4 या 5 बार 6 बार कलेक्टर साहब कलेक्टर महोदय जी को विज्ञप्ति इसके पहले भी पूर्व में दे चुके हैं और अभी तक हमको आश्वासन ही मिला है। और हमें किसी प्रकार की योजना का लाभ सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। हम माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि हमें हमारा मालिकाना हक दिया जाए। और निवास हमें कम से कम यहाँ 100 परिवार है तो 100 ही लोगों का हमको मालिकाना हक चाहे मालिकाना हक दिया जाए चाहे बोले तो पट्टा दिया जाए या फिर रजिस्ट्री जैसे भी हमको दिया जाए। हमारा मूलभूत अधिकार है उसको माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि हमको जल्द से जल्द हमारा मालिकाना हक दिया जाए। शालेय खेलकूद कैलेंडर के अनुसार आज स्थानीय विद्याभूमि पब्लिक स्कूल में जिला स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्पर्धा में जिले भर के स्कूलों से आए बच्चों ने स्केटिंग के अपने कौशल का परिचय दिया। एमबीएस और विद्याभूमि के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कॉम्पिटिशन यहाँ पर हो रहा है और इससे एक टीम बन के यहाँ से आगे डिविजनल के लिए जाएगी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेगी। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई हम बच्चों को आप आशीर्वाद दें। विद्याभूमि प्रांगण में जिला स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता के लिए हम आप सभी लोगों को बधाई देते हैं और सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं कि आप खिलाड़ी भावना से खेलें और ग्राउंड में उतरना ही बेटा बहुत बड़ी बात होती है। जीत हार तो एक जजमेंट होता है और उनको भी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने बच्चों को इतनी अच्छी तालीम और इतना अच्छा तैयार किया है कि अवश्य ये बच्चे आज इस ग्राउंड से जीत के जाएंगे। और उन्होंने जो प्रशिक्षण आपको दिया है उसमें कोई शक नहीं कि बाहर डिविजनल लेवल पर स्टेट लेवल पर आप जाकर अपना कमाल दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ हासिल करके आएंगे। बड़ा जोर से बताइए, जोर जोर से बोलिए। लाउडली बोलना है बेटा। बालाजी के बहुत बच्चे हैं। बालाजी के बालाजी
थैंक यू सर, हमको आपको बीच से रोकना पड़े। हाँ ओके, ऑल द बेस्ट। अंडर 17 ओम आदित्य धाम परासिया रोड के निवासी मूलभूत सुविधाओं को लेकर खासे परेशान हैं। आदित्य धाम के रहवासियों ने आज नगर निगम के सहायक आयुक्त से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी और कॉलोनी का निगम में अधिग्रहण कर मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग रखी। उसके एप्लीकेशन लगा चुके हैं हम लोग पहले। कुछ चार्जेस का है शायद, तो वो चीजें आपको एक लेटर जारी होगा यहाँ से, तो चार्जेस जमा करने के बाद वो खा जाएगा। ठीक है, तो आप इसलिए हम साथ में आए, तो हम लोग आपको कुछ है चार्जेस तो है, कुछ भी चीजें तो आप बताएं। बता लीजिए अपने स्टाफ को, वो है कॉलोनी के सभी निवासी लोग यहाँ आए थे जन सुनवाई में कमिश्नर साहब के यहाँ, और हम लोगों ने एक आवेदन दिया है कि हम लोगों के यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये जो है अभी ठीक से मिल नहीं रही थी। हम लोग कमिश्नर साहब से बात किए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे जल्दी से जल्द हमारी कॉलोनी जो है वो हैंड ओवर ले लेंगे और जो हमारी सुविधाएँ हैं ये बराबर बहाल हो जाएंगी। इसी के लिए हम लोग सब यहाँ आए थे और हमारा समाधान हुआ है ऐसा वो कमिश्नर साहब तो कह रहे हैं कि हम लोग जल्दी ले लेंगे और जो है ये सुविधाएं जो है जल्द से जल्द उसको की जाएगी। धन्यवाद। शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी द्वारा विभिन्न विभागीय प्रयास निरंतर जारी है। इन्हीं प्रयासों में अपना योगदान देने के उद्देश्य से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आज पुलिस विभाग को 25 स्टॉपर प्रदान किए गए। फॉर्मेट हो गया है रेलवे स्टेशन के सामने जो एटीएम है। अच्छा, गार्ड थे सर, अभी उन्होंने पता नहीं कंपनी से टाइम था तो विड्रॉ कर दिया है, नई कंपनी से कुछ चल रहा है, पर बहुत दिक्कत है सर गार्ड होना। यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी साहब के निर्देशन में
सेंट्रल बैंक द्वारा सहयोग किया गया है। हमें कुछ 25 स्टॉपर्स अभी दिए गए हैं, वो शहर के विभिन्न इलाकों में जहाँ पे हमें स्टॉपर की आवश्यकता है यातायात को व्यवस्थित करने के लिए, उसको हम लगाएंगे। और जनता से अपील करते हैं कि यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि दुर्घटनाओं से हो रही जो जनहानि है उसको रोकने में हमारी छिंदवाड़ा पुलिस का सहयोग। महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला की छात्राओं ने आज पार्षद अनीता दिनेश मालवी के नेतृत्व में कलेक्टर जी के जैन से मुलाकात की, साथ ही एमएलबी स्कूल के पास से अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही हेतु धन्यवाद प्रेषित किया। छात्राओं के मुताबिक अतिक्रमण कर लगाई गई दुकानों से छात्राओं को खासी परेशानी होती थी। टोल बाजार लगा है उसको हटाने के लिए हमने आवेदन लगाया था, तो आज कमिश्नर जी ने तो थोड़ी सी मदद करके और कलेक्टर साहब के कहने से आज वो हट गया है, तो हम उनको धन्यवाद देने आए और भविष्य में ये कभी लगे ना और उनसे निवेदन करने। इधर नगर निगम सभा कक्ष में आज जल प्रदाय समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में महापौर कांता सदरंग की अध्यक्षता में पेयजल व्यवस्था बिलों के भुगतान सहित समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य समीक्षा की गई। बैठक में नगर निगम कार्यपालन यंत्री एनएस बघेल, अध्यक्ष धर्मेन्द्र मिगलानी, जल समिति सभापति संतोष राय सहित पार्षदगण उपस्थित थे। अच्छा ये इसके लिए भी आदमी लगाए अपन, ये जो पानी बहता है ड्यूटियों में इसके लिए भी तीनों विभाग के कर्मचारी लगाई आप लाइसेंस सफाई के लिए और इसके लिए लगा रहे आप तीनों टोटियाँ जहाँ जहाँ नहीं है जहाँ व्यर्थ पानी बह रहा है या सटक लगा गाड़ी धो रहे हैं रोड धो रहे हैं नाली में डाल रहे हैं इनका भी सर्वे ये बात करवा दीजिए क्योंकि बहुत की बात जाएगी। टोटी वाला तो जो पता है वो वाले नल को वो लगाओ सर पानी मेरा भैया पाटन का लिख लिए तो हम और कुछ सुना पेयजल को लेकर हमारे सम्मानित सदस्य जो भी सुझाव देना चाहते हैं तो हम पे आठ में आठ बज के जो लैंड में चाहते हो कि वो थोड़ा 5-10 में ज्यादा दिया जाए आपका सुझाव सही है। पानी अपन अभी सप्लाई कर रहे हैं, नदी का पानी आप सप्लाई जितना कर सकते हो उतना कर दें क्योंकि नदी का पानी तो बह रहा है ना। परासिया जनपद पंचायत के अध्यक्ष रईस खान के विरुद्ध जाति प्रमाण पत्र में गड़बड़ी को लेकर न्यायालय में केस दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय ने जाति प्रमाण पत्र को गलत करार देते हुए रईस खान को जनपद पंचायत अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। न्यायपालिका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनपद पंचायत परासिया के अंतर्गत क्षेत्र क्रमांक 17 जो
पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था उसमें कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर श्री रईस खान ने अपने जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करके चुनाव लड़ा और धनबल के उपयोग से चुनाव जीता। उसके बाद 22 मार्च 2015 को मैंने रिट फाइल किया हुआ था जिसमें न्यायालय ने पूरे दस्तावेजों की जांच करके उसको उनके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित किया और आज सत्य की जीत हुई। इसमें पूरी न्यायपालिका एवं मेरे सहयोगी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। और सिटी हलचल में अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के बाद आइए एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तितिक्षा शक्ति वाहिनी के तत्वावधान में आयोजित की गई विशाल रैली और जनसभा, महिलाओं के हक के लिए उठी आवाज। जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक संपन्न, वर्षा की स्थिति के मद्देनजर किसानों से रवि फसल का उचित चुनाव करने के निर्देश। कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कोर्ट में की गई जन सुनवाई, 179 आवेदन पत्रों पर दिए गए निराकरणात्मक दिशा निर्देश। और सुकलुढाना वार्ड नंबर 18 के रहवासियों ने की जमीन के पट्टे की मांग, परिवार सहित पहुंचकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सिटी हलचल में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।